अब ये केक बिल्कुल रेडी है मेरा, आई होप ये पापा को भी अच्छा लगे। तो मैं फ्रूट के लिए ये मिक्स फ्रूट के लिए ये यूज़ करती हूँ। अब मैंने केक को ओवन से निकाल लिया है और मैंने टूथपिक डाल के चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, दैट मीन्स कि हमारा केक पूरी तरह से पक चुका है। मैं एडीएम की हेल्प से इसको फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे टूल्स मैंने काफी टाइम से यूज नहीं करे हैं, तो पता नहीं कहाँ रख दिए हैं मैंने। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनी व्लॉग्स। आई होप आपने हमारे फादर्स डे की जो मेन्यू स्पेशल से सीरीज चल रही थी हमारी, उसके लास्ट टू वीडियो जो मैंने पोस्ट किए वो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जाके उन लास्ट वीडियोस को देखिए, सो देट आपको पता चलेगा कि मैंने रेसिपी जो बनाई थी उस दिन वो मैंने कैसे बनाई थी। पूरी कंप्लीट रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर करी है। सो जो मैंने फादर्स डे के ओकेशन पे केक बनाया था, तो मैं आज उस कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस फ्रूट केक के लिए जो बेस बनाया था, जो डेकोरेशन किया था, थोड़ा बहुत जो मटेरियल मेरे पास था उसी से मैंने डेकोरेट किया था अपना केक। सो उसकी कंप्लीट रेसिपी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट आपको अपनी आने वाले कमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहें। सो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर दें। अब केक का बेस बनाने के लिए हमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले इसमें हम 2 कप मैदा यूज करेंगे। ये सारी चीजें जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं वो सब छान कर यूज करेंगे, क्योंकि छानने से केक जो फ्लफीनेस होती है ना केक की, वो बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छे से केक बेक होता है। इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो चुका है हमारा। अब हम आते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट की तरफ। वेट इंग्रेडिएंट सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्टेड बटर। मैं 2 कप मैदा लिया था, उसे मैंने 100 ग्राम बटर में यूज कर रही हूँ। इस बटर में मैं शुगर यूज करूंगी 1 कप, ये पाउडर शुगर होगी आपकी, 1 + 1/4 कप शुगर यूज करूंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मीठा नहीं चाहिए, क्योंकि केक की क्रीम ऑलरेडी इतनी मीठी हो जाती है और मैं अपना फ्रूट केक बना रही हूँ तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए बेस की जो स्वीटनेस होती है वो थोड़ा बैलेंस करके बनाती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्वीटी ना हो। इसको भी शुगर को भी आप छान कर ही यूज़ करेंगे। तो अब मैंने बटर और पाउडर शुगर डाल दिया है इसमें। अब मैं अपनी हैंड बीटर की हेल्प से इसको अच्छे से बीट कर लूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका फिटने के बाद। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें हम 1/2 कप कंडेंस मिल्क लेंगे। अब मैं इसमें अमूल का मिठाई मिल्क यूज़ कर रही हूँ, कंडेंस मिल्क। अब इसमें मैं 1 कप ऑफ मिल्क यूज़ करूँगी। मैं पहले थोड़ा सा बचा लूँगी, अगर मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए होगी तो मैं बाद में पूरा 1 कप इंक्लूड कर दूँगी। अदरवाइज मैं इसमें धीरे धीरे करके मिल्क मिलाती रहूंगी, जितनी कंसिस्टेंसी का मुझे चाहिए मैं उस कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अपना केक रेडी करूंगी। अब ये सारा मिक्स हो गया है। अब मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट यूज किए थे अपने छान के रखे थे, वो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाती रहूंगी। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहती हूँ कि इसको जब मिक्स करेंगे आप तो इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, इसको अपोजिट डायरेक्शन में बार बार ना चलाएं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से उसकी बाइंडिंग जो होती है मैदे की वो खराब हो जाती है, इससे आपका केक जो होता है वो अच्छे से बेक नहीं होता है। अब इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा हार्ड, अभी थोड़ा सा और मुझे रिस्क डालना पड़ेगा, अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया है, हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे बेक करने के लिए। अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे हमारे केक मोल्ड में। मैंने केक मोल्ड पे पहले से ही बटर पेपर लगाकर उसको मैदे से डस्ट कर दिया था ग्रीस करने के बाद। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे ओवन में जाने के लिए। मैंने अपने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट पे रख दिया है, 180 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब चलिए डायरेक्टली इसको ओवन में रखते हैं। अब इसको हमने रख दिया है 180 डिग्रीज पे बेक मोड पे और 35 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे 35 मिनट्स के बाद।
अब मैंने केक को ओवन से निकाल लिया है और मैंने टूथपिक डाल के चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, दैट मीन्स कि हमारा केक पूरी तरह से पक चुका है। अब इसको हम रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए, एटलीस्ट इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखना है, क्योंकि गर्म केक में अगर आप उसकी क्रीम से डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्रीम आपकी समर टाइम बहुत चल रहा है तो आपकी मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और केक आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है क्रीम के साथ। तो इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इसका डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब केक को हम छोड़ देते हैं ठंडा करने के लिए, मिलते हैं आपसे टेबल पे डेकोरेशन के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप क्रीम को मैंने व्हिप करके रेडी कर लिया है। ये हमारी 1 कप क्रीम है। क्रीम की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग ही क्रीम की क्वांटिटी यूज होती है। तो मेरे लिए इतनी क्रीम सफिशियंट है, क्योंकि मुझे थोड़ा फोंडेंट वर्क करना है अपने केक पे। उसको रेडी करना स्टार्ट करते हैं केक को हमारे। सबसे पहले इस पे हल्की सी क्रीम लगानी है। जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं अपना फ्रूट केक बना रही हूँ, तो मैं फ्रूट के लिए ये मिक्स फ्रूट के लिए ये यूज करती हूँ। इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके फ्रूट बहुत ही फ्रेश होते हैं और खाने में बहुत ही जूसी होता है। तो मैं इसको शुगर सिरप से ना कोट करते हुए फ्रूट के सिरप से ही इसको कोट करूंगी। अभी अच्छे से सोख हो चुका है केक हमारा, अब इसे हम क्रीम अप्लाई करेंगे। अब ये फ्रूट इसमें डाल देंगे, जो भी हमारे फ्रूट है मिक्स फ्रूट। अब इसकी दूसरी लेयर हम यहाँ सेट कर देंगे इसके ऊपर, इसे कॉर्नर्स को हम फिल कर देंगे, सो दैट केक का जो लेवल होता है वो बराबर से आता है। हमने इसको कंबर कोट कर लिया है, अब हम इसको वापस से शुगर सिरप से कोट कर लेंगे, जो भी हमारा फ्रूट का सिरप था। अब इसकी लास्ट लेयर को हम यहाँ पे डाल देंगे अच्छे से और फिर से इसको कॉर्नर से सील कर देंगे। तो वापस से पानी से सोक कर लेंगे शुगर सिरप जो था हमारे फूड वाले बॉक्स में। अब इसको कंबल कोट कर लेंगे। अब मैं केक को फादर्स डे स्पेशल के उसमें ओकेशन में बना रही हूँ, तो मैं भी डिज़ाइन होगा मैं पापा को रिलेटेड कुछ बनाना चाह रही हूँ, सो मैं फोंडेंट का कुछ यूज़ करूँगी। बट उसके लिए मुझे केक का जो बेस चाहिए, जो कलर चाहिए इसका आउटर का, वो मुझे येलो चाहिए। तो उसके लिए मैं ये येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, ये जेल कलर है, मुझे बहुत ही लाइट येलो कलर चाहिए। तो मैं इसकी बस 1 से 2 ड्रॉप डालूंगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देख सकते हैं कितना सुंदर सा रेडिएंट येलो कलर आया है। अब मैं केक की आउटर लेयर फिलिंग करना स्टार्ट करती हूँ। मैं एडीएम की हेल्प से इसको फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टूल्स में काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ रख दिए हैं मैंने, तो मुझे खुद याद नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं एडीएम रखा हुआ है, बेकार सा पड़ा था मेरा एडीएम, तो मैं कहा चलो उसको केक की डिजाइनिंग करने के बहाने यूज कर लें। अब मैं डिजाइनिंग के लिए इस तरह का ब्रश यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने फादर्स डे के लिए कुछ फोंडेंट का वर्क बनाया हुआ है, तो मुझे इसको केक पे स्टिक करना है, तो मुझे थोड़ा सा शर्ट जैसा लुक चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इस तरह का लुक दिया है केक पे हमारे। तो अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने फोंडेंट वर्क थोड़ा सा कर दिया है इस पे। अब थोड़ा सा डेकोरेट के लिए मैं इस पर सिल्वर पर्ल डालूंगी केक को लुक देने के लिए। मैंने पैटर्न डायमंड से ब्लैक कलर मिक्स किया था, उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर को डाल दिया है, इसमें पोर कर दिया है, क्योंकि मुझे इसमें हैप्पी फादर्स डे लिखना है।
अभी केक बिल्कुल रेडी है मेरा, आई होप ये पापा को भी अच्छा लगे। सो ये थी मेरी केक की प्रिपरेशन जो मुझे फादर्स डे के लिए करनी थी, क्योंकि अंश के पापा के लिए भी बनाना था और अपने पापा के लिए भी बनाना था, तो सबके लिए ही मैंने एक केक बना लिया। तो आई होप आपने कंप्लीट वीडियो मेरा देखा होगा जो मैंने केक का बनाया था, फ्रूट केक का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से मैंने बेस बनाया, किस तरह से मैंने डेकोरेशन किया, जो भी मेरे पास चीजें अवेलेबल थी मैंने उसे डेकोरेट किया। मैं पहले बेकरी का काम भी करती थी, मैंने एक साल बेकरी का काम भी किया था, मेरे घर की मुझे इंटरेस्ट था तो मैं घर से ही बेकरी रन करती थी अपनी, मैं केक वगैरह बेक करती थी। सो डिस्क्रिप्शन पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूंगी, आप वहां पे जाके मेरा केक भी चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने कितने सारे केक बनाए थे, क्योंकि जो मुझे भी बिलीव नहीं होता कि मैंने इतने सारे केक बनाए हैं। के बाद जो मेरा अपकमिंग वीडियो आएगा वो हमारा स्टफ इडली सैंडविच आएगा, सो बी रेडी फॉर दैट वीडियो, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, तब तक के लिए बाय।